बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो है आरजीएस टोपोलॉजी से रिलेटेड कि टोपोलॉजी क्या होता है और इसे हम कैसे जो है वो रन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि टोपोलॉजी होता क्या है। आरजीएस में अगर टोपोलॉजी की बात की जाए तो टोपोलॉजी बेसिकली जियो डेटा बेस के अंदर एक अरेंजमेंट होती है जो कि डिफाइन करती है कि पॉइंट, लाइन या पॉलीगॉन फीचर जो है वो अपनी कॉन्सिडेंट जियोमेट्री को कैसे शेयर करें। ठीक है, जब हम इस टोपोलॉजी को रन करते हैं तो हमारे पास जो है एक टोपोलॉजी की लेयर जो है वो आर्क मैप में आ जाती है, जिसके अंदर जो है वो टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स जो है वो उसमें शो होते हैं, जिसमें एरर्स और जो एक्सेप्शंस है ये दोनों उसमें आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कुछ पढ़ना हो इससे रिलेटेड तो ये टोपोलॉजी के इसके मैंने आरजीएस का पेज इसमें दिया, आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने जो है वो डेटाबेस को बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और डेटाबेस कैसे बनता है उसकी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप जो है उसको फॉलो करके बना सकते हैं। ठीक है, कि डेटा सेट और ये डेटा फीचर्स कैसे इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब टोपोलॉजी रन करें तो आपके फीचर्स जो हैं वो डेटाबेस के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला रूल ये है। सेकेंड रूल क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सबका एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि कोई प्रोजेक्टेड में है और कोई कुछ फाइल्स आपकी जो है डिफरेंट जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट में है और कुछ जो है वो प्रोजेक्टेड में है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, न्यू टोपोलॉजी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो है वो उसको डाटा सेट्स के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, टॉलरेंस जो है ये इसको हम क्लस्टर टॉलरेंस सेम रहने रहेंगे बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो जो हमारी शेयर फाइल्स हैं वो आ जाएंगी, जिस पे आपने लगाना हो टोपोलॉजी रन करनी हो आप उसे सेलेक्ट कर लें, मुझे दोनों पे रन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो रैंक्स दिए जाते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको उतना रैंक आप देंगे। ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, मेन जो हमारा स्टेप है वो है रूल्स को ऐड करना। इसमें क्या होगा कि हम रूल ऐड करेंगे कि लाइन फीचर कैसे उस पर रूल लगेगा और जो पॉलीगॉन फीचर है उस पर क्या होना चाहिए रूल। ठीक है, तो रूल के लिए अगर बात की जाए तो ऑलरेडी देखें यहाँ पे रोड की आ गई। ठीक है, फाइल और रूल इसमें बाय डिफॉल्ट जो है मस्ट नॉट हैव डेंगल्स सेलेक्ट है, यानी कि ना लाइन ओवर शूट हो ना अंडर शूट हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत से रूल्स हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट इस और ये जो यहाँ पे चेक मार्क करें शो एरर्स, ओके किया। ठीक है, सेकंड रूल हमने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे हम बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो बाय डिफॉल्ट मस्ट नॉट ओवरलैप है। ठीक है, वही मैं रहने दूंगा। इसके अलावा बहुत से और दूसरा ऑप्शन है, आप उसको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किया और हमारे पास एंड में ये समरी आ गई कि हमने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, रूल्स फिनिश करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोपोलॉजी रन हो गई है और यहाँ पे एक लेयर हो जाएगी ऐड। ठीक है, यस किया, वैलिडेट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक लेयर आ गई है, इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ। ठीक है, यस कर ले। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे एक टूल है टोपोलॉजी का, उसको भी आपने खोल लेना है एडिटिंग के लिए। ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, टिक मार्क किया हुआ, ये सामने है, ये तब एक्टिव होगा जब एडिटिंग स्टार्ट होगी। स्टार्ट एडिटिंग करते हैं। ठीक है, एडिटिंग मैंने स्टार्ट कर दी और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एरर इंस्पेक्टर के नाम से, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आएंगे शो के ऊपर, यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करें तो आपको जो है वो सर्च करेंगे तो एरर शो हो जाएगा। ठीक है, मस्ट नॉट ओवरलैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं इस पर एक पहले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो अगर मैं इसको जूम करके पहले देख लूँ कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग है ठीक है। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ राइट क्लिक और इसको कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो ये शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। इस पर राइट क्लिक किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास जो ये यहाँ पे जो बिल्डिंग के एरर थे वो रिमूव हो गए ओवरलैप वाले, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई ऐसा एरर बाकी नहीं रहा, ठीक है। अब बारी आ गई है रोड्स की, रोड्स को सर्च करते हैं। सर्च में इसमें ये भी होगा कि ये कुछ, चलो सर्च कर लेते हैं। इसमें देखें बहुत सारे ये एरर भी शो कर रहे हैं, लेकिन ये एरर नहीं होंगे क्योंकि जो हमारे एंड पॉइंट है रोड्स के वो एज अ एरर काउंट नहीं होंगे, उसको हम एज अ एक्सेप्शन ले लेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन जल्दी जल्दी हम इसको जो है वो देख लेते हैं। पहले को सिलेक्ट किया हमने, ये ब्लैक है, ये एरर नहीं है, इसको मार्क एज एक्सेप्शन ले लिया, ठीक है। ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। जो एरर नहीं है उसको हम पहले फारिग कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ डिजिटाइजेशन की है, ठीक है। जब रोड नेटवर्क आप जब भी डिजिटाइज करें तो हमेशा स्नैपिंग को आप ऑन रखें तो आपके ये एरर नहीं आएंगे। ये टोपोलॉजी इसलिए भी रन होती है कि इसमें आप कोई मिसिंग हो जाए तो आप जो है वो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि आपने कहाँ पे जो है वो आपका एरर आया, ठीक है। तो जिस तरह ये रह गए हमारे पास कुछ पॉइंट, तो हम क्या करेंगे स्नैपिंग के ज़रिए इसको फिक्स करेंगे। राइट क्लिक करके आप जो है वो यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन है तो आप उसको स्नैप करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये आ गया। ये ब्लैक वाले को जो है ये सिलेक्ट हुआ हुआ, ठीक है। इस पर अब मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद जो है वो ये हो गया। अब आपने यहाँ पे आके इसके ऊपर दोबारा आएंगे और इसको मार्क एज एक्सेप्शन कर दिया, ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट वन ये, ठीक है, जूम किया इसको, डबल क्लिक किया इसको, ठीक है, ये हो गया। इसको भी किया राइट क्लिक, मार्क एज एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, ठीक है, डबल क्लिक किया इसको और ये भी हो गया, ठीक है। दो रह गए हमारे पास, इन दोनों को जो है वो हम देख लेते हैं। ये बहुत जूम करने पे जो है वो मालूम होगा कि ये एरर है, ये हो गया, ठीक है। लास्ट रह गया, ठीक है। तो सबसे हमेशा ये बात आप याद रखें, सबसे पहले आपने स्नैपिंग करके ही काम करना है। ये एक समझाने के लिए एक्सरसाइज बनाई गई है, तो इतने एरर होते नहीं है, लेकिन आपने जो है वो इस तरह आपने काम करना है कि स्नैपिंग ऑन रखनी है आपने, ठीक है। जहाँ पे जो काम होगा एज स्नैपिंग, वर्टिक्स स्नैपिंग, ये सारी इसमें टाइप्स हैं, तो ये करके आप स्टार्ट करके आप रोड नेटवर्क इस तरह की आप बनाएंगे तो आपका काम सही रहेगा, ठीक है। टोपोलॉजी में आपको इस तरह करके आप जो है वो अपने एरर को फाइंड करें और उसके बाद जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको एज एक्सेप्शन काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कैसे जो है वो टोपोलॉजी रन करनी है, ठीक है, और एरर जो भी हैं आपके उसको रिमूव करना है। चले नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।